जल शक्ति अभियान के तहत करे संचय जल बेहतर होगा कल के तहत सोमवार को सातवीं वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सीआरपीएफ कमांडेंट अनिल भारद्वाज के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से पानी को कैसे बचाया जा सके इसके लिए गिरिडीह के लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर उप कमांडेंट रण सिंह, इंस्पेक्टर महेंद्र कुमार, एमसी लाल, उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह समेत सीआरपीएफ के 200 जवान मौजूद थे। जल शक्ति अभियान के तहत आज यह जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इसमें हमने अपने सभी जवानों को अवगत कराया है कि जल का बहुत महत्व है और आने वाले समय में जिस प्रकार जल का स्तर घट रहा है तो हमें जल के संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाना पड़ेगा। अपने सभी जवानों को जागरूक किया गया है, साथ ही साथ शहर के अंदर एक रैली का आयोजन किया गया है जिसके द्वारा यहाँ की जनता को जागरूक किया गया है और उनको बताया गया है कि जल संरक्षण किस किस प्रकार से किया जाएगा। इसके तहत प्लांटेशन का एक विशेष महत्व है और वृक्ष लगाने पर, पेड़ लगाने पर एक विशेष जोर दिया गया है जो पब्लिक को पूरा बताया गया है। साथ ही साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया गया है। हमने अपने कैंप्स के अंदर पॉन्ड्स की खुदाई करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम किया गया है और इसके विषय में जनता को भी बताया गया है। इसके अलावा जल को किस प्रकार से वेस्ट नहीं करना है, कैसे बचाना है, बारिश के पानी को एकत्र करना है घरों में, खेत में, खलिहान में, सभी जगह पर, इसके ऊपर विशेष जोर दिया गया है और जनता को जागरूक किया गया है। साथ ही साथ शहर के अंदर अगर कोई किसी प्रकार का कोई तालाब है जो कि सूख गया हो, कुएं हैं सूख गए हों, या जल के जो स्रोत हैं उनको रेस्टोर करने का प्रयास किया जाएगा। सीआरपीएफ सुरक्षा के साथ साथ जनता के बीच में जाकर के सभी अभियानों में अपना विशेष भूमिका निभाती है और आगे भी निभाती रहेगी। इसी के बारे में हमने जनता को बताया है। वह शहर के अंदर आगे भी इस कार्यक्रम के तहत आगे जाके जनता के साथ मिलकर के और जल के जितने भी स्रोत हैं उनको वापस रेस्टोर किया जाएगा। वह जल संरक्षण के लिए जो भी हमसे मदद बनेगी जनता के लिए हम पूरा करेंगे।